खबर एटा जनपद से, जहां थाना जिले से पुलिस को एक सफलता हाथ लगी, जिसके तहत खिलाड़ी हत्याकांड का सफल अनावरण किया गया। जिसके अनुसार अवैध संबंधों के चलते प्रेमिका ने अपने चाचा संग घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। घटने में प्रयुक्त आलाकत्ल बांका बरामद किया गया है। आपको बता दें, दिनांक 22/12/2021 को वादी मुकेश कुमार पुत्र शाह सिंह निवासी मोहल्ला सराय खानम थाना जलेसर एटा द्वारा थाना जलेसर पर इस आशय की सूचना दी गई कि किन्हीं अज्ञात ने वादी के भाई खिलाड़ी पुत्र शाहब सिंह निवासी सराय खानम थाना जलेसर जिला एटा की हत्या कर दी और उसका शव आईटीआई कॉलेज जलेसर के पीछे खेतों में पड़ा है। इस सूचना पर थाना जलेसर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक एटा धनंजय सिंह कुशवाहा के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी जलेसर इरफान नासिर खान के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना जलेसर को टीम गठित कर निर्देशित किया गया, जिसके बाद थाना जलेसर पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद व मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रजनी तथा अभियुक्त हरिमोहन को ग्राम रेजुआ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। जलेसर पुलिस द्वारा एक हत्या का अनावरण किया गया सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये कल दिनांक 22 को जलेसर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक खिलाड़ी जिसकी हत्या हो गई है, तो स्थानीय पुलिस द्वारा टीम बनाकर इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना की छानबीन की गई और घटना का सफल अनावरण किया गया, जिसमें प्राथमिक जानकारी से पता चला कि युवक का एक रजनी नाम की महिला से अवैध संबंध था और इसके चलते उसके चाचा ने मोहन ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें अभियुक्ता भी शामिल है और इसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें मृतक का मोबाइल और आला कत्ल